ड्रग प्रॉब्लम हैज बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन जम्मू, और ये देखने में काफ़ी बार सामने आया है कि जम्मू में जो यूथ है वो आजकल ड्रग्स को लेके काफ़ी इन्वॉल्व हो चुका है। चाहे पुलिस की बात कर लें या कुछ, हमने जम्मू में साइलेंट डेथ्स भी देखी हैं जब पेरेंट्स सामने खुल के आके नहीं बोलते, लेकिन ये फाइंडिंग्स डॉक्टर्स की तरफ से बताई जा रही हैं कि ये काफ़ी केसेस ड्रग्स रिलेटेड रहे हैं। आज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जम्मू पुलिस एक अवेयरनेस रैली निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि लोग प्लेकार्ड्स लेके यहाँ पे अवेयरनेस रैली जो आज पूरे जम्मू सिटी में निकालने लगी है पुलिस, कुछ इलाकों से घूम के जाएगी और लोगों को अवेयर करेगी। अगर आज की बात करें तो कितनी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है ड्रग्स जम्मू? ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम हो चुकी है, जैसा आपको मालूम है जगह जगह ये नशा फैल रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग अपने पेरेंट्स हैं जो स्कूल वाले हैं अपने बच्चों को समझाएं और इनसे बच्चों को दूर रखें। जो यूथ की आप बात कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन ऑफ द यूथ है जो ज़्यादा इस तरफ झुकाव है, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग? ये सब मिक्स्ड हैं, जो बड़े हैं वो भी कर रहे हैं, स्कूल गोइंग भी कर रहे हैं, जिनको भाई पता नहीं है, कोई मज़े के चक्कर में करते हैं, कोई पढ़ाई के चक्कर में करते हैं, लोगों को इसकी कोई नॉलेज पूरी तरह नहीं है, बस नशे में घुस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ड्रग्स एक बीमारी है, जो एडिक्शन हो गया है वो बीमारी है, उनका इलाज करवाना चाहिए। हमने ड्रग एडिक्शन सेंटर भी खोले हुए हैं पुलिस ने। हम यही चाहते हैं कि लोगों यही अवेयर करेंगे, जिनके बच्चे इसमें जो मुलब्बस हो गए हैं वो आगे हमसे रابطہ करें और अपने बच्चों का इलाज कराएं और इनसे बच्चों को दूर रखें। हम देखते हैं आप पुलिस कई बार ड्रग्स पकड़ती है, ड्रग डीलर्स को भी पकड़ती है, क्या फाइंडिंग्स हैं? क्या ये लोग किसी अमीर या गरीब ऐसे देख के टारगेट करती हैं या रैंडमली सारी सोसाइटी को टारगेट करते हैं? ये रैंडमली सारी सोसाइटी को टारगेट करते हैं, ये बड़ी बड़ी साजिश है। ये अभी जो हमने रिसेंटली जो हमारी पुलिस ने पुंछ में पकड़ा, उधमपुर में पकड़ा, इवन ये पता चला कि इवन जो ये पाकिस्तान से सारा ये सामान वगैरह आता है, बहुत बड़ा नेक्सस है। हम चाहते हैं ताकि हमारा जो सोसाइटी है वो इससे क्लियर रहे। क्या कोई फाइंडिंग्स हैं जहां नार्को टेररिज्म सामने आ रहा है? इसमें अभी हमारे हाथ में तो ऐसा कुछ लगा नहीं है, इसमें भी हम इसमें दो राय नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो हाथ हो सकता है ऐसा। थैंक यू। सो यू जस्ट हर्ड द ऑफिसर, he has said that there is tremendous rise in the drug dealers dealing with the youth and the drug problem among the youth, but he has denied that they have not found anything concrete to relate it with the narco terrorism, although he has hinted that there surely must be something which is correlating these both things.